सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पीटोन का वन ऑफ द बेस्ट लो बजट एयरबड तुम्हारे भाई के पास आ चुका है और यह पीटोन बेसबर्ड्स ब्लेस। और आप इसका लुक देख सकते हो भाई, लुक्स पे बहुत ज्यादा बढ़िया है, कमाल का लग रहा है देखने में। और साथ ही में एकदम पॉकेट फ्रेंडली डिजाइन है, जिस वजह से कैरी करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। आप देख सकते हो इसका साइज कितना ज्यादा छोटा है। और आज के दिन इसका प्राइस कितना रखा है, सिर्फ 799 का। और अगर फीचर देखा जाए तो 5.3 का लेटेस्ट ब्लूटूथ है, साथ ही में 50 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी भी है, जिस वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा। और बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें आपको टोटल क्वाड माइक देखने को मिल रहा है, सिंगल बर्ड में ड्यूल माइक इस्तेमाल कर रखा है ENC नॉइस कैंसलेशन टेक्नोलॉजी के साथ। और टोटल 40 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक है, साथ ही में फास्ट चार्जिंग भी है, जिसके हेल्प से सिर्फ 90 मिनट में 0-100 चार्ज हो जाता है इसका केस। और IPX5 का वाटर रेटिंग है, जिस वजह से हल्का फुल्का पानी भी लग गया तो कुछ होगा नहीं इसे। और 13mm के लास्ट ड्राइवर का इस्तेमाल कर रखा है फॉर बेटर बेस। और ये प्रोडक्ट आपको टोटल 4 कलर्स में अवेलेबल मिल रहा है, आप देख लो दोस्तों आपको कौन सा पसंद है। तो चलिए अभी जल्दी से देख लेते हैं अनबॉक्सिंग। प्रोडक्ट पसंद आए तो बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है अपने प्रोडक्ट का बॉक्स। ऊपर का प्लास्टिक हटा लेते हैं तो ऊपर आपको पीटोन का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और नीचे बेस बर्ड्स ब्लिस को प्रिंट कर रखा है। बॉक्स के साइड में अपने की फीचर्स को प्रिंट किया है और भाई इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को भी प्रिंट किया, जो कि प्रूफ करता है कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग सेफ प्रोडक्ट है, टेस्टेड। और इस साइड अपने ब्रांडिंग को प्रिंट कर रखा है और नीचे ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, खाली है। और पीछे की तरफ ब्रांड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस, एमआरपी प्राइस। तो चलिए भी जल्दी से डब्बे को भी खोल लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। ये कुछ सामग्री मुझे इसके अंदर देखने को मिला। पेपर वर्क में सिर्फ एक ही पेपर दिया है, ज्यादा पकाया नहीं है। पीछे आपको 2 QR कोड देखने को मिल रहा है, एक है वारंटी रजिस्ट्रेशन का और दूसरा है यूजर मैनुअल डाउनलोड करने का। और यह है 2 जोड़ी 8 टिप्स लार्ज एंड स्मॉल मीडियम साइज का बॉक्स में लगा है। और यह है टाइप सी चार्जिंग केबल, क्वालिटी काफी बढ़िया है लेकिन थोड़ा छोटा है। और अभी क्लोज लुक केस की तरफ, सुबह केस का लुक बहुत ज्यादा बढ़िया है। ऊपर आपको पीटोन का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और यहीं पर ग्लॉसी मिरर टाइप का फिनिश इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। और ऊपर नीचे इन्होंने फनलिंग सा डिजाइन बनाया और भाई फनलिंग का गैप भी काफी बड़ा है, जिस वजह से इसके अंदर गंदगी नहीं जमेगा, गंदा नहीं होगा आपका, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो भाई ये चीज काफी बढ़िया लगा। और इस केस के ऊपर आपको किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कलर नहीं मिल रहा है, जिस वजह से समय के साथ इसका कलर नहीं उतरेगा, जैसा आप अभी देख रहे हो हमेशा ऐसा ही रहेगा। और भाई ऊपर से साइड से आप लोग देख सकते हो एकदम सिंपल सा रखा है। नीचे की तरफ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और पीछे कुछ यूनिक नंबर को इन्होंने प्रिंट कर रखा है। और केस का ऑल ओवर लुक एंड शेप आप देख सकते हो भाई, बहुत ही ज्यादा छोटा एंड कॉम्पैक्ट शेप का डिजाइन है, जिस वजह से कैरी करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। आप देख सकते हो मेरी मुट्ठी भर के अंदर पूरी तरह से आ गया। और भाई कैप का मैग्नेटिक इफेक्ट भी काफी ज्यादा बढ़िया है, जिस वजह से आप इजिली एक हाथ से केस को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। और भाई पूरी तरह से वन हैंड यूजेबल प्रोडक्ट है, आप इजिली एक हाथ से केस खोल सकते हो, बर्ड्स निकाल सकते हो, बर्ड्स को दोबारा अंदर रख भी सकते हो। और केस खोलने के बाद अभी आप इसका लुक देखो भाई, लुक्स पे बहुत ज्यादा बढ़िया है। और अभी क्लोज लुक बर्ड्स की तरफ, सुबह बर्ड्स का लुक भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर भी आपको सेम केस का डिजाइन ही देखने को मिल रहा है, जो कि मस्त लग रहा है देखने में। और ऊपर इन्होंने नोटिफिकेशन LED फिट कर रखा है, जब भी आपका बर्ड्स कनेक्टेड नहीं होगा तो जलेगा, नहीं तो हमेशा ऑफ ही रहता है। और यहीं पर इन्होंने अपने फर्स्ट माइक को फिट किया है। सेकंड माइक कहाँ पर है, एकदम नीचे आप एक और छोटा सा होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका सेकंड माइक। और ऑल ओवर आप बर्ड्स का लुक देख सकते हो, मैट कलर का फिनिश है जो कि मस्त लग रहा है देखने में। और आगे की साइड है ग्रॉसी कलर का फिनिश। और भाई 13mm के लास्ट ड्राइवर का इस्तेमाल कर रखा है, लेकिन फिर भी देख के वो बल्कि सा फील नहीं आ रहा है, नॉर्मल एयरबड जैसा ही फील है। और अभी पीटोन बेस बर्ड्स ब्लेस का फंक्शन देखिए, तो सिंगल टच से आप सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो, साथ ही में आप कॉल पिक कॉल एंड कर सकते हो। कॉल इजेट करने के लिए आपको डबल टच करना पड़ेगा और वॉइस असिस्ट एक्टिव करने के लिए आपको 4 टच करना है। गेम मोड ऑन ऑफ करने के लिए आपको ट्रिपल टच करना है, दोनों में से किसी भी बर्ड्स पे। नेक्स्ट सॉन्ग एंड प्रीवियस सॉन्ग के लिए आपको डबल टच करना है। वॉल्यूम अप डाउन का फीचर्स आपको बर्ड्स में नहीं मिल रहा, आपको अपना डिवाइस इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो दोस्तों इसका लुक एंड बिल्ड क्वालिटी तो देख ही लिया। और भाई अगर आप उल्टा करके झटका मारोगे तो भाई नहीं गिरता है। बर्ड्स का मैग्नेटिक इफेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़िया है और इसका फील एंड कंफर्ट भी बहुत ज्यादा मस्त है। पूरा दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपके कानों में पेन नहीं होगा, कंफर्ट बेस्ट है। और इसका टच का रिस्पांस भी बहुत बढ़िया है, हमेशा रिस्पांस करता है, कभी भी मिस आउट नहीं होता। और फिटिंग भी काफी अच्छा, जिस वजह से आप इसे पहन के धीरे जॉगिंग कर सकते हो, जिमिंग कर सकते हो, परफेक्ट रहेगा। लेकिन आप तेज रनिंग नहीं कर सकते, तब जरूर आपके कानों से गिर जाएगा। और रही बात साउंड एक्सपीरियंस का, तो भाई इसका साउंड एक्सपीरियंस बेस्ट है। वोकल्स एकदम लाउड एंड क्लियर आपको यहाँ सुनने को मिल रहा है और ट्रिबल छलकार भी काफी अच्छा है। और रही बात बेस का, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा हाई पावर बूम पंची बेस सुनने को मिल रहा है, एकदम सर हिलाने वाला बूम पंची बेस है इसमें। सो भाई अगर आप लो बजट में किसी भी एयरबड से सेटिस्फाइड नहीं हो कि आपको और ज्यादा बेस चाहिए तो आप इसे लो, इसमें बहुत ज्यादा बेस है, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहोगे। बेस का क्वालिटी बेस्ट है, थम्पी है, पंची है। तो भाई साउंड एक्सपीरियंस ऑल ओवर देखा जाए तो काफी अच्छा, आप ले सकते हो। और यहाँ पर आपको डिस्टॉर्टेड आवाज भी सुनने को नहीं मिल रहा है 100% वॉल्यूम में। इसका ट्रिबल हल्का सा भी कानों में चुभता नहीं है, तो आप ले सकते हो भाई।
साउंड एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। तो चलिए अभी एक गेमिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो दोस्तों डिवाइस है मेरे फोन के साथ कनेक्ट और इसका मैंने गेम मोड ऑन कर रखा है, अभी चलिए चेक कर लेते हैं कि भाई लो लेटेंसी कैसा है। और पिंग कितने का रहा है मेरा, अप्रोक्स 50-60 का पिंग का, अभी 60 दिखा रहा है, तो चेक कर लेते हैं दोस्तों। अभी स्लो मोशन में देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि गेमिंग परफॉर्मेंस ठीक ठीक है, आप गेमिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। साउंड का डिले काफी ज्यादा कम आपको महसूस होगा जैसे कि आपने स्लो मोशन में देखा ही। तो चलिए अभी एक माइक परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों पीट्रोन है मेरे फोन के साथ कनेक्ट और अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है इसका माइक एक्सपीरियंस और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं। और मेरा अभी एक छोटा स्टेबल फोन ऑन है जो कि हल्का सा नॉइसी है और अभी आप सुनो कि इस नॉइस को रिड्यूस कर पा रहा है नहीं। अगर इस नॉइस को रिड्यूस कर पा रहा है तब तो भाई हल्के फुल्के नॉइस को रिड्यूस कर सकता है ये ईयरबड इजिली, जैसे टेबल फैन, सीलिंग फैन, कूलर। तो चलिए अभी एक एक्सट्रीम लेवल का नॉइस कैंसलेशन टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें आपको क्वाड माइक मिल रहा है और वो भी ईएनसी नॉइस कैंसलेशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो दोस्तों ये है मेरे पास हेडसेट है जो कि बहुत ज्यादा नॉइस है, आप देख लो मेरे बाल उड़ रहे हैं। अभी आप सुनो कि इस नॉइस में कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये ईयरबड प्रोवाइड कर रहा है और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं। और अभी आप सुनो कि अगर नॉइस सामने से आएगा तब कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा, बाइक राइडिंग के टाइम सामने आने को ऐसा ही आवाज सुनाई देगा जैसे कि आप अभी सुन रहे हो। तो बस दोस्तों इतना ही, आप सुन के बताओ कि आपको कैसा लगा इसका माइक एक्सपीरियंस। तो दोस्तों पीट्रोन बेसबर्ड्स ब्लेस का माइक एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है क्योंकि आवाज को एकदम क्लियर तरीके से एंड लाउड तरीके से ग्रैब करता है, साथ ही में आपने इसका नॉइस कैंसलेशन सुना सुपर्ब है, हैवी से हैवी नॉइस को इजीली रिड्यूस कर देता है। तो भाई प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है क्योंकि साउंड एक्सपीरियंस एंड माइक एक्सपीरियंस दोनों आउटस्टैंडिंग है। तो आप ले सकते हो भाई, पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहोगे, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त है। सो दोस्तों IPX5 का वाटर रेटिंग है जिस वजह से हल्का फुल्का पानी लग गया तो कुछ नहीं होगा, बोले तो भाई गीला हाथ लग गया, पसीना लग गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप इसे पहन के स्विमिंग पूल में, शावर में या बारिश में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि भाई ये वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो बस इतना ही, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूं डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ।